सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, सभी हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है, जो हमारा टर्म टू की क्लास चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास सेम क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। प्लीज इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोग बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारी डेली ही क्लास चल रही है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास आज के लिए। आज हमारे पास कौन से क्वेश्चन है, चले देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दो क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे और एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्लीज आप सभी लोग अभी के अभी अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, आज ये हमारी दूसरी क्लास चल रही है टर्म टू की, क्लास टेंथ, टर्म टू मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, सेकेंड वाली, ठीक है? चलिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चल रही है, आप सभी लोगों को ये भी पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यस, देखिए फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर अब आ चुका है, अब आपको लिखना है और लिखने के मार्क्स आपको मिलेंगे, आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी, ये चीज आप लोगों को पता है आई थिंक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, आप देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं इसके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर लिखा कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ने ऑलरेडी कह दिया है कि अभी तक देखिए, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फाइंड कर रहे थे कि कौन सा ऐसा वैल्यूज है जो इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। लेकिन अब वैल्यूज को पहले से ही क्वेश्चन ने कह दिया है कि ये जो है, ये एक्स की वैल्यू जो है 2/3, द एक्स की वैल्यू 2/3 ये क्या है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको यहां रखते हैं तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? अब बात ये, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को एक अननोन वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि के फॉर्म में है। इस के को हम लोगों को निकाला है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने करते हैं, आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, चलिए तो फ्रेंड्स देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें लिखना है पूरा का पूरा जितना मैं आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि अब लिखने के मार्क्स हैं और सही लिखने के मार्क्स हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो भी है आप लोगों की उसमें, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, रखते हैं यहां पर, देखिए तो 7 एक्स की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर प्लस के, और यहां पर 2/3 -3 इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, आराम से करेंगे क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में नहीं करना है, ठीक है? चलिए, कैसे, देखिए फ्रेंड्स, 2 2 4, तो शुरुआती क्लास में 3 9 मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत देखिए एक कहते हैं कि बस स्लोली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यार बीच बीच में हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा कोर्स जो है काफी बड़ा है अभी, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्टिव है, आप लोगों को हर एक चीज बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हम कितना हो गया, 2k/3 = 3, ये -3 जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जाएगा 0 के पास और क्या बन जाएगा, इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब जरा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 4 28/9, ऑलराइट? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 2k/3 = 3। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, जो कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले लीजिए, वेरिएबल्स को एक तरफ रख लीजिए, देखिए जैसे कि इस तरह, और फटाफट आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 देखिए 3 इसको यहाँ लाया मैं उठा के, माइनस का 28/9 हो गया है, और काफी इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा अगर आप इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो स्टेप वाइज ही चल रहे हैं, तो ऐसे ही मार्क्स इस बार आपको मिलने वाले हैं, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 3 27 27 -28, आप लोगों को पता है कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर से आप लोगों को 2k/3 = -1/9, 3 1 3 3 3 9, आई थिंक यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसका आंसर भी आप लोगों को मिल चुका है। तो देखिए, k = -1/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ पर k की वैल्यू -1/6 होगी। चलिए फ्रेंड्स, एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से हो रखा है, किस तरीके से हम लोगों ने कर रखा है इसको।
तो यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से यहां पर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें के की वैल्यू मैं आप लोगों को यहां पर करवाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं यहां पर मैं, इसके बाद जो क्लास होगी ना हमारी, कह सकते हैं वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की रहेगी, क्योंकि मैं उसमें आप लोगों को क्या कराऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेरे कहने का मतलब वर्ड प्रॉब्लम से कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, जो कि आप लोगों को थोड़ी कठिन लगती है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर। तो के की वैल्यू -1/6 करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इस बार अब की जो हम तैयारी होगी ना, एक स्मार्ट स्टडी करेंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लीजिए, काफी है, सफिशियंट, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब टर्म वन की तैयारी करी थी तो टर्म वन में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे सेम टू सेम क्वेश्चन छपे हुए हैं, बेसिक पे भी एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में भी, दोनों में ही छपे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक बार प्लीज क्लास देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसी तरीके से हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, नाउ वी हैव अ सेकंड इक्वेशन हियर, सेकंड अंडर क्वेश्चन। यहां पर ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि x की वैल्यू a रखने पर इस गिवन इक्वेशन पर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब क्वेश्चन कह रहा है तो हम क्यों नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमें मानना पड़ेगा। तो यहां से यू हैव टू फाइंड एन अननोन वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन विच इज k। सो k यहां से आपको फाइंड करना है, तो k देखिए k हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट करिए। तो यहां पर देखिए ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन द इक्वेशन। तो इस तरीके से आप करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है फ्रेंड्स, मेरी बात आप सभी लोग ध्यान से सुनना। चलिए अब x इन द इक्वेशन हो चुका है, तो x की वैल्यू a रखते हैं, तो ये देखिए a यहां पर a आएगा एंड a का स्क्वायर आप लोगों का a स्क्वायर रहेगा। किसी को कुछ डाउट होता है, ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है, तो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम का एक लिंक भी दे रखा जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं द स्कॉलर्स हाउस करके, वहां पर आप आराम से मुझसे डाउट पूछिए, जितो भी आपका डाउट है सब क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड यहां पर देखिए a, a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू a एंड a प्लस b। देखिए फ्रेंड, जिन लोगों को मैथ्स का डर है वो डर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। बस देखिए फ्रेंड, पढ़ने के लिए बस कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट माइंड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम 5 मिनट भी क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट भी क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग अगर 10 मिनट भी देखेंगे तो आपका जो लाइफ टाइम का जितना डाउट था मैथ्स के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। तो देखिए फ्रेंड यहां पर ए स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस ये यहां जाएगा, देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस लेके जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। देखिए ना, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं का डाउट होता है काफी बच्चों का, क्योंकि उन बच्चों ने यहां पर अपनी जो सिक्स्थ क्लास है ढंग से नहीं पढ़ी होती है, इसीलिए डाउट रहता है। तो आज से नहीं रहेगा ए स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर देखिए कट गया, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू ए बी। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैं ये क्यों करा रहा हूं, अब आप ध्यान रखेंगे आज से कि यहां पर हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछेगा, ये आप देख लेना अभी के अभी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पर एक बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, ये चीज हम कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी के साथ साथ सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आपका जितना भी एनसीईआरटी में है वो मैं आपको यहां भी करवा रहा हूं, ठीक है। अब मैं कैसे भी करा रहा हूं, आप लोग ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी नहीं हो रहा है, यहां पर एनसीईआरटी भी कंप्लीट रहा। अभी मैं आप लोगों के लिए बीच में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी लेकर आऊंगा, तो ये क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो एनसीईआरटी आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों का एनसीईआरटी क्या रहेगा, एक तरह का होमवर्क रहेगा, आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो मैं कहने वाला था आप लोगों के लिए लेकर आ रखा हूं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए मैं आप लोगों को यहां पर लिखता नहीं हूं लेकिन आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा अभी। चलिए, एक x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये रूट्स क्या है, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ लिया है रूट्स भी, एंड देखिए फ्रेंड्स जीरोस। एक चीज और देखिए, अगर रूट्स नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने जीरोस पढ़ा है, ठीक है, जीरोस तो पढ़े हैं सब लोगों ने,
जीरोस पता है आपको, जीरोस से रूट्स कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। जैसे एक्स, जैसे ये आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉल्व करते हैं, जब आपके पास ये एक्स की टू वैल्यूज इस तरीके से आती हैं कुछ भी, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए वन आ गई या माइनस वन आ गई, सपोज ये देखिए माइनस वन आ गई और एक टू आ गई, तो यही तो होते हैं, यही होते हैं रूट्स, ठीक है, यही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। आप लोगों को पता है आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर है अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये होते हैं रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है कि वो जो x की वैल्यू 2/3 एंड x की वैल्यू -3 क्या है, एक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं, तो आप लोगों से पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही इस क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया है, आप लोगों का लास्ट टाइम में स्ट्रेस सारा दूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं आप, जी हाँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी लिख दूंगा इक्वल टू जीरो। एक चीज इन्फॉर्म करता हूं आप सभी लोगों को, यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया था, जब स्टार्टिंग की हमारी क्लास चल रही तो मुझे हम लोगों को आइडिया था कि सीबीएसई ने अचानक ही हमारा एक गाइडलाइन दी थी कि टर्म वन पहले होगा फिर टर्म टू होगा, टर्म वन के चैप्टर्स के बारे में किसी को नहीं पता था, तो हम लोगों ने एक क्लास ली थी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, पहले भी ले रखी है, अगर आपको मन करता है देखने का उस क्लास को एक बार देख लेना, लेकिन उससे बेटर क्लास आप लोगों की ये रहेगी। अब वो क्यों रहेगी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर हम टर्म टू के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और एक चीज और, वहां पर देखिए हम लोगों का जो बोर्ड था ना, आप लोगों ने शायद अगर क्लास नहीं देखी, एक बार जाके देख लेना, तो हमारी पहले भी एक क्लास हो चुकी है, एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसमें मैंने आप लोगों को देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चंस तो करवा रखे हैं, लेकिन वहां पर जो था हमारा अरेंजमेंट था, जो हमारा यहाँ पर स्टूडियो है यूट्यूब का, ज्यादा कुछ खास नहीं था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी फिलहाल जितना भी है, एक बड़ा सा बोर्ड है यहाँ पर जिसमें आप सभी लोगों को क्लियर भी दिख रहा होगा, वॉइस भी आप सभी लोगों को क्लियर होगी, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ये वाली क्लास मेरी देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लास देखिए जहां पर हम टर्म टू के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब x इक्वल टू 2/3 तो यहां पर लिखते हैं, चलिए फर्स्ट केस लिख सकते हैं आप लोग, देखिए कि मर्जी है आप लोगों की, इसमें एग्जामिनर आपका मार्क्स कभी नहीं काटेगा, पुट x इक्वल टू 2/3, ठीक है फ्रेंड्स, पुट x इक्वल टू 2/3 इन द इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने रखता हूं, आप भी रखिए और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को लगाता है अच्छे से। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहां पर क्या है, x इक्वल टू 2/3 रखिए, तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर एंड 7 के साथ 2/3 रहेगा प्लस b इक्वल टू 0। अब आप लोगों को एक चीज और याद आएगी, अपना टाइम आएगा याद आपको, कौन सा टाइम मैं आपको बताता हूं, यहां पर एलिमिनेशन मेथड का टाइम याद आएगा, अगर आपने किया होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हो गया 4a/9, एक काम करते हैं प्लस बी और इसको माइनस का 40/3 को वहां भेज देते हैं और थोड़ी बहुत इक्वेशन को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए एक काम करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, तो पता है बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, तो इसमें तो आप लोग अब शेयर हो गए होंगे, ठीक है, इनको करने में। चलिए फ्रेंड्स देखिए 3 1 3 एंड 3 3 9, इसको वहां ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 14 3 42 होगा, ये आपको पता है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बच्चों वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैं कौन सा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है कह रहा हूँ, जो लीनियर इक्वेशन में था जो कट चुका था, ठीक है फ्रेंड्स, 14 3 42। तो यहां से हमारी इक्वेशन जनरेट हो चुकी है, इक्वेशन एक बन चुकी है जिसमें हम लिख सकते हैं क्या, ये दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट यहां तक सभी लोगों को क्लियर है आई थिंक। चलिए सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, नाउ वी आर गोइंग टू, ठीक है, एक चीज और हम बनाना चाहते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन और बनाएंगे यहां पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और है टू जनरेट सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के सामने एक काम करता हूं, मैं इतना सा गैप ले लेता हूं और यहां पर स्पेस है आपके पास, तो एक काम करते हैं यहां पर x की वैल्यू सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो केस टू लिख करके आप लोगों की मर्जी है, केस टू लिख लीजिए, पुट x इक्वल टू द वैल्यू
माइनस थ्री फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस थ्री हेयर एंड ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स करते हैं इसको अच्छे से करते हैं और आराम से करेंगे तभी ये सही होगा। माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन ऑफ माइनस थ्री। देखिए ये चीज आप लोगों को करानी पड़ रही है इतने जो है आप इतना धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए तो अभी तक तो अभी तक ये सॉल्व हो जाता है ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक जो होती है अगर मान लिया शॉर्ट ट्रिक होती है शॉर्ट ट्रिक से कराया था। अब आप लोग का सब्जेक्टिव है तो आप लोगों को पता है यहाँ पर ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये आ गया आपका 9a माइनस 21 प्लस बी इक्वल टू जीरो। सो जैसे ये रखा था हम लोगों ने वैसे इसको भी रख दीजिए। तो यहाँ पर आपका 9a प्लस बी इक्वल टू 21 आ चुका है। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ठीक है जो हमने सेकंड इक्वेशन बना दी है। चलिए अब एक काम करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उसको अच्छा कर देते हैं। कैसा अच्छा कर देते हैं एक काम करते हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। कैसे देखिए यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड लिखने की जरूरत नहीं है ये तो आप कर भी सकते हैं। 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस का 42। देखिए तो ना ज्यादा कुछ कठिन तो नहीं है अगर आप लोगों ने अच्छे से आप लोग करेंगे स्टेप वाइज करेंगे बिल्कुल जो लिखा हुआ है ऊपर सेम वैसा ही लिखेंगे ठीक है तो ये आप लोगों का भी गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों देखिए एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया था किसी भी एक आप लोगों का जो यहाँ पर ये जो दो आपके पास इक्वेशन होंगी इसमें किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब अगर बी यहाँ पर दिख रहा है तो बी की जगह पे देखिए यहाँ पर अगर नीचे 9b है तो यहाँ पर भी आप लोगों का 9b होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए इसको या तो इसको सेम बना दीजिए या इसको बराबर बना दीजिए। अब बराबर बनाने का मतलब ये है कि अगर ये 9b है तो यहाँ पर 9b कैसे रखूं मैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको सेम एज इट इज लिख सकते हैं या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि ये देखिए 9 यहाँ देखिए 9 का 81 तो इक्वेशन जो हो गई इक्वेशन जो बन रही है हमारी दोबारा से वो इस तरीके से बन रही है 9 का 81 ए प्लस 9b। ये आपका एक तरीका होता है 9 का 18। और देखिए फ्रेंड्स इसको लिखिए एज इट इज लिखिए जो भी हमारा 9b जितना था हमारा है माइनस का 42। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों देखिए मैं आपको बताया था यहाँ पर आपका ये आंसर कितना आएगा। अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने आप लोग को एक चीज और बताई थी दोस्तों देखिए एलिमिनेशन मेथड आप लोग देख सकते हैं ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब सबसे पहले हमने क्लास ले रखी ना आई थिंक काफी टाइम पहले ली थी हमने मई जून के टाइम पर क्लास ली थी आप लोग प्ले स्टोर में देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको अभी भी एक बार फिर से एलिमिनेशन मेथड बता दूंगा कैसे होता है। अदरवाइज आई थिंक आप सभी लोगों ने जब फर्स्ट हम पढ़ लिया है तो आप लोगों को अभी तक तो एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए तो आप लोग वैसे देख सकते हैं मेरी क्लास में मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया था देखिए अब हमें काटना है तो कैसे काटेंगे इस प्लस है इसको प्लस को देख के माइनस कर दिया। सबसे नीचे वाला जो हमारा इक्वेशन है ये वाली इसके जो साइन होता है उसका अपोजिट नीचे लिखते हैं यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए प्लस 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 तो इसको जब आप प्लस करेंगे ये आएगा आपका 231 एंड इसको देखिए प्लस माइनस माइनस कट गया क्योंकि इसे काटना था और ये आ गया हमारा 77a। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a 231 अपॉन 77 एंड यहां से हमारा कितना आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ चुकी है। a इक्वल टू 3 मिल चुका है हम लोगों को। 77 3 जा कितना होता है 77 3 जा कितना होता है 231 होता है। आप लोग करके देख लेना आप लोगों को पता चल जाएगा यहां पर ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो यहां पर से अब हमारा बचता है a की वैल्यू तो निकल चुकी है 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ a यहां पर देखिए इस साइड वाला मैं आपके लिए रफ कर लेता हूं आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये तो हमने कर लिया है बहुत आसानी से कर लिया था। चलिए इतना पोर्शन रफ करता हूं यहां पर तो पुट द वैल्यू ऑफ a अब देखिए लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ a। अगर नहीं भी लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है पुट द वैल्यू ऑफ a किसी भी इक्वेशन में इन इक्वेशन चलिए सेकंड में रख देते हैं ठीक है 9 3 27 तो देखिए यहां पे 9 3 27 हो गया प्लस बी इक्वल 21 एंड द वैल्यू ऑफ बी विल बी 21 माइनस 27 इक्वल टू माइनस का 6। सो यहां पर मैं इस क्लास को अब एंड करता हूं। आप लोगों को ए की वैल्यू कितनी मिल गई है 3 एंड बी की वैल्यू कितनी मिल गई है माइनस 6। चलिए फ्रेंड्स देखिए तो आई होप कि सभी लोगों ने इस क्लास को तो अच्छे से देखा होगा जो मैंने कहा था कि कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी आप सभी लोगों को करनी है तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलिए
तो फ्रेंड्स देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का यहाँ पर देखिए सपोर्ट जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम इस क्लास को आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई थिंक आई होप कि सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को प्लीज आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्वालिटी क्वेश्चन शुरू कर दी है, टर्म टू की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है आप लोगों के लिए। तो क्लासेस हमारी रेगुलर ही चलेंगी, आप सभी लोगों को ये भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। एंड फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके क्लास आएगी हमारी, जिसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे कैसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आप लोगों को वर्ड सुनूंगी, वर्ड प्रॉब्लम सुनूंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला तैयार करेंगे, फॉर्मूला जनरेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए दोस्तों, जो भी चैनल पे नए जुड़े थे, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड यस, बेल नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।